45 देशों में 8,500 से अधिक इसकी शाखाएं हैं जी, विमानों के कल्याण के लिए काम करती है जी। तो आज हम जो पब्लिक यहाँ पर आई हुई है, अभी हम आ चुके हैं कार्तिक पूर्णिमा के मेले में और यहाँ से अभी हम आगे जा रहे हैं। तो ये जो लोकेशन है ये है कुड़िया घाट, और जो आप पीछे देख रहे हो यहाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो अभी यहाँ से हम अंदर की तरफ चलेंगे और हम आपको दिखाते हैं। कुछ मेले की भीड़ है और यहाँ पे ये पक्का पुल है, डालीगंज चौराहे के पास मेला लगा हुआ है और मैंने सोचा क्यों ना आपको ये मेला ज़रूर से ज़रूर दिखाते हैं। हालांकि पहली बार मैं आया हूँ इस मेले में और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस मेले को घुमाता हूँ और आपकी जो बचपन की यादें उनको ताज़ा करता हूँ। मेले की कार्तिक पूर्णिमा 8 नवंबर, चूँकि आज का दिन है तो उस दिन पड़ रही, तो ये मेला आज के दिन मनाया जा रहा है। हालांकि हम अभी कुड़िया घाट लखनऊ में हैं, अंदर जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत सारे सेक्शंस हैं मेले में, मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पे कुछ मूर्तियाँ दिख जाएंगी और ये पीछे बच्चे झूला झूल रहे हैं, ये झूले का सेक्शन है, बच्चों का सेक्शन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने लोग हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है। तो अभी हम आगे चल रहे हैं और यहाँ पे कुछ शॉप्स भी हैं, तो ये बच्चों के लिए शॉप है, कुकू के लिए कुछ ले जाएंगे क्या, देखते हैं अभी। ये है मक्खन। मैं आपसे एक चीज़ शेयर करूंगा कि मैं जब से YouTube करने लगा हूं तो मुझे लगता है कि जो चीज़ें मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं करी हैं वो मैं अब एक्सप्लोर करता हूं। तो ये लाइफ में काफ़ी बड़ा चेंज है और काफ़ी सारी जगहों को एक्सप्लोर करने का एक्सपीरियंस और थोड़ी बहुत मेमोरीज भी मिलते हैं यार। तो ये जलेबी वाली भी बन रही है भाई, ये गरम गरम जलेबी हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लोग एकदम पिकनिक की तरह आते हैं क्योंकि सुबह सुबह स्नान भी करते हैं। तो ये देख लो यहाँ पे, और बच्चों का यहाँ पे मैच चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है और कितना ज़्यादा लोग आते हैं इस मेले में। आज की शाम तो शाम होने वाली है, तो ये शाम की रौनक है और शायद ये रात तक लगता है मेला। अब हम लोग 2K सब्सक्राइबर्स से स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो 2K की फैमिली हो चुकी है, नाउ वी आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 2000 सब्सक्राइबर सेल्यूशन ज़रूर ज़रूर होगा और थैंक यू यार इतना सपोर्ट करने के लिए। और चैनल पे अभी नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें यार। मैं देख रहा हूँ कि हर जगह मक्खन लगा हुआ है, तो क्या मक्खन कुछ पॉपुलर है कि मक्खन लखनऊ का? लखनऊ का तो पॉपुलर है ये, मगर मुझे मेले में बहुत जगह दिख रहा है। तो कितने रुपए का है? 10 का 20 का। 10 का 20 का? हाँ, 50 का 100 ग्राम है। अच्छा, और ये क्या है? ये दूध है। ये दूध है, केसर दूध। हाँ, अच्छा ठीक है। तो ये ग्लास कितने का है? ये वाला, ये वाला 20 का है, वो वाला 10 का। अच्छा, ये वाला 20 का है। यार एक बनाना, तो देखिए ट्राई करते हैं इसको। तो यहाँ पे एक बना के दिखाइए थोड़ा सा, तो कैसे क्या बनाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये अभी ताज़ा दूध है? हाँ, मक्खन के साथ बनाते हैं। अच्छा अच्छा, तो यहाँ तो मेला तो सुबह से स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो सुबह बना के लाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, बनाइए। तो यहाँ पे अभी हम लोग जो है मक्खन और ये दूध ट्राई करेंगे। 10 वाला बनाओ, अच्छा लगेगा तो फिर एक और ट्राई करते हैं, है ना। तो ये दूध हो गया और ये है मक्खन, लखनऊ का फेमस मक्खन है। अगर आपको खाना है तो भैया कहाँ है? चौक आए हैं ना? चौक आए हैं। चौक में मिलेगा। सुबह कितने बजे लगभग आए? सुबह चाहे जितनी टाइम आइए, 5 बजे, 6 बजे, 4 बजे, जितनी टाइम आप आ जाइए। अच्छा अच्छा, तो जितनी जल्दी आप आ जाओगे उतने अच्छे ही है। 5 बजे से चलने लगता है, 6 बजे से। ये क्या डाल रहे हैं इसमें? ये पिस्ता बादाम है, छिला हुआ पिस्ता। पिस्ता, धन्यवाद। अब इसको यार हम ट्राई करके देखते हैं कि कैसा इसका स्वाद है। ये छोटा सा ग्लास हम मक्खन का ट्राई करते हैं। ये बहुत घर में वाले हैं मक्खन, स्वाद तो बढ़िया यार। लखनऊ में रहते हैं और ये सब ट्राई नहीं कर पाते हैं, तो अब मैं वही कहता हूँ ना कि जो नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, नई नई जगहों पे जाते हैं, तो ये सब खाने को मिलता है और ट्राई करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी। अभी एक और देंगे, एक और लेंगे, बहुत अच्छा है। थोड़ा सा वैसा हो गया है ना, अब ज़्यादा ठंडा नहीं है ना, इसलिए गर्म होता है तो ज़्यादा मज़ा आती है। ठंडा होता तो ज़्यादा मज़ा, ठंडा सबसे ज़्यादा मज़ा होती है। अच्छा, तो ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो बनाइए एक और, बनाइए। तो ये एक और ग्लास भेजना, ठीक ठीक। शाद है जो चढ़ाया जाएगा।
हालांकि सुबह यहाँ पे आके काफ़ी लोग स्नान करते हैं और हम सुबह तो आ नहीं पाए, तो हम आए हुए आफ्टरनून में, तो इवनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे लोग काफ़ी आपको नहाते हुए भी दिखेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे नहा रहे हैं और ये यहाँ पे कुछ लोग नहा चुके हैं, तो ये ऐसा कुछ सीन है। तो ये प्रसाद है और जो दिए ये जलाने के बाद जो है इसको ये इसमें पानी में चढ़ाया जाएगा। अभी तक आपको मेले की वाइब्स आ रही है, तो आप अपने बचपन की बेस्ट मेमोरीज शेयर कर सकते हैं कि आपकी मेमोरीज क्या रही हैं। और मैं तो बताऊंगा, मेरी बेस्ट मेमोरीज जो मेरी दादी के साथ रही हैं, तो वो भी बहुत ही मेमोरेबल हैं अभी भी और हमेशा ही रहेंगी। पतंग आप अकेले उड़ाएंगे क्या? अच्छा अच्छा, साथ में उड़ाइए उड़ाइए। तो यार पतंग भी बहुत ज़्यादा उड़ती हैं, हालांकि हमें उड़ानी नहीं आती तो हम उड़ा नहीं रहे हैं। मैंने बताया कि यार लोग एकदम पिकनिक की तरह आते हैं, सुबह सुबह आ जाते हैं और पूरा एकदम बैठ के पूरा चिल करते हैं, तो ये इवनिंग तक लोग रहेंगे। और ये देखते हैं आप कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है। एक बच्चे का बैडमिंटन मैच चल रहा है, मारो नहीं मार, फिर से मारो, भाग गए लोग। तो कोविड के कई सालों के बाद जो है, एक दो साल काफ़ी लोग ये चीज़ें नहीं हुई, तो ये अब है, तो लोग एक्साइटमेंट के साथ में आए हैं, बैठे हैं और पूरा एंजॉय कर रहे हैं। पे प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ बुक्स हैं, तो ये आप बता सकते हैं कि ये बुक्स और ये जो यहाँ पे इस समय जो ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, इसके बारे में कुछ बताएंगी? जी, तो ये जो आज यहाँ पे जो लगाया गया हुआ है, जो आपने पूरा इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? जी जी बताइए। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से जी 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 आयोजित है जी, आज विशेष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगाया गया है। जी जी जी, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था है। जी जी जी, 145 देशों में 8,500 से अधिक इसकी शाखाएं हैं जी, कि मानव के कल्याण के लिए काम करती है जी। तो आज हम जो पब्लिक यहाँ पर आई हुई है जी, उसको ये बता रहे हैं कि पारिवारिक जीवन में रहते हुए जी कैसे वो सुख शांति की प्राप्ति कर सकता है जी। तो यहाँ पर उसको बताते हैं कि कैसे जो है परमपिता परमात्मा जो शांति का सागर है जी, प्रेम का सागर है जी, आनंद का सागर है जी, जी जब उससे संबंध जुड़ जाता है तो हमारे जीवन में भी, हमारे परिवार में भी सुख शांति आने लगती है जी। जी जी, हमने वहाँ पर ये लगाया है कि कैसे अन्न और मन की शुद्धि कर सकते हैं जी जी। इधर ये जो है ये महत्वपूर्ण है जी जी, बताइए बताइए। तो यहाँ पे कुछ सर बताने वाले हैं, जो चीज़ें हैं वो आप समझ सकते हैं। ये देखिए, हमारी जो भारतीय पुरानी परंपरा रही है जी, गौ आधारित खेती की, वो आजकल वो विलुप्त हो रही है जी जी जी। तो इसी को हम लोग जो है पुनः लोगों में प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जो यहाँ, चूँकि ज़्यादातर फार्मर ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं, उनको बताते हैं कि हमारी जो पुरानी परंपरा थी उसमें परमात्मा की शक्ति का प्रयोग हम खेती में करते थे। हम बैल की पूजा, हल की पूजा, बीज की पूजा, धरती की पूजा और उस समय रोपाई करते हुए लोकगीत गाना, यानी उस परमात्मा की शक्ति हम उस धरती को, बीज को, फसल को देते थे जी, जिससे उसमें जीवाणु सक्रिय होते थे जी। और हमारे यहाँ कहावत है कि जैसा अन्न वैसा मन। चैनल है, अच्छा अच्छा, पीस ऑफ माइंड। यूट्यूब चैनल किस नाम से है? पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड, ठीक है। तो मैं इस चैनल का लिंक जो है अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो लोग भी देख रहे हैं तो एक बार चैनल पे जाके जरूर से जरूर विजिट करें और सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। तो ये प्रसाद कुछ जी जी जी, धन्यवाद। तो अभी मैं बस वहाँ से आगे आ चुका हूँ और यहाँ पे यार एकदम पिकनिक वाला माहौल महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे पीछे लोग देख सकते हैं यहाँ पे एकदम चादर वादर बिछा के और फुल फैमिली के साथ बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं, तो वो पूरा एकदम पिकनिक फील है। तो यही ये मेला इसीलिए फेमस है क्योंकि सुबह आते हैं और शाम तक रुकते हैं यहाँ पे, तो कार्तिक पूर्णिमा का मेला इसीलिए फेमस है, जिसको हम कत्की का मेला और यहाँ पे चौक जो लगता है, डालीगंज का मेला, कुछ भी कई नामों से इसको जाना जाता है। अभी चाय ट्राई करने जा रहे हैं, एक दो यार एक, ये भाई नींबू पड़ चुका है और 10 रुपये का है जी। ये बन गई भाई क्विक चाय। तो भाई ये चाय ने ऑलमोस्ट जो थकान थी सुबह से
पहले थोड़ा कुछ काम के लिए गए थे तो वो अब जाके हो चुकी है ख़त्म। अब जब कुड़िया घाट के अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको शिव जी का मंदिर भी मिलेगा, और ये एक मंदिर है और ये दूसरा मंदिर है, और यहाँ पे आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो मैं थोड़ा ऊपर चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। मैं अभी बस जूते उतार के ऊपर चल रहा हूँ, दर्शन करता हूँ। बस अंदर मेले की तरफ, जहाँ पे बहुत सारी लगी हैं शॉप्स, वो हम आपको दिखाते हैं, झूले दिखाते हैं और बहुत सारी कुछ चीज़ें आपको इस मेले में जो जो चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। झूले का एक्सपीरियंस जो है यार, वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंसेस मैंने किए हुए हैं, और छोटे से लेकर बड़े झूले तक, और उल्टियाँ भी बहुत सारी गरी हैं, तो इसीलिए झूले से डर लगता है। पिछली बार बैठ गए थे मगर बैठेंगे नहीं, मगर हम आपको ज़रूर से ज़रूर दिखाएंगे ज़रूर आपको। अभी आप देख रहे हैं कि ये छोटे मोटे झूले हैं, और ये तो अब आ गए हैं, हमारे समय पे तो इतना नहीं था। अब छोटे छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, ये छोटे से झूले पे चढ़ते हैं और फिर ऊपर से देख रहे हैं कैसे उतर रहे हैं बढ़िया से। तो ये रहता है झूला है, इसमें ये जंपिंग कि मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं पता है, आपको पता तो ज़रूर से कमेंट करें। तो यहाँ पे देखो कैसे बच्चे इसके अंदर, कुछ समय के लिए इनको अंदर भेजा जाता है और ये झूलते हैं, मतलब कूदते हैं, जो भी करते हैं, फिर उसके बाद बाहर आ जाते हैं, वही होता है इस झूले की। तो ये झूला भाई आगे से जब ऊपर लेकर जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, मगर जब ये ऊपर जाता है ठीक है, फिर उसके बाद जब नीचे उतरता ना तो भाई हवा टाइट होती है, तो ये झूला इसीलिए मैं झूल पाता हूँ यार। हालांकि बच्चे हैं झूल रहे हैं यहाँ पे, बट नॉट लीस्ट ये कार वाला झूला है जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, कितने खुश हैं ये देख रहे हो। तो यही सब यादें हैं यार, और हम आज जिनको हम कैप्चर करके आपको दिखा रहे हैं। और आप अभी तक अगर किसी मेले नहीं गए तो उठिए और आपके पास में जो कहीं भी मेला है वो जाके घूम के ज़रूर ज़रूर आइए। तो ये व्लॉग यहीं तक वो रहेगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक जरूर कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, तब तक की बाय बाय।